हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे, और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। और मार्केट गुरु में इस वीडियो में मैं आपको जिस शेयर के बारे में जानकारी दूंगा उसका नाम है रेडिंगटन इंडियन लिमिटेड। इस स्टॉक को मैं आप सभी को 90 रुपीज़ पर देना चाहता था पर बहुत लेट हो गया और इस शेयर पर मैं कभी वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। पर ये शेयर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये शेयर जिनके पास है उनके लिए मैं इस वीडियो में इसके फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, आपको कहाँ कहाँ इस शेयर को बेच सकते हैं, कहाँ कहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं और जिनको ख़रीदना है उनके एक्यूमुलेशन जोन इस वीडियो के अंत में या अंत में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो कृपया कर वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो में मैं आपको इसकी सारी डिटेल एनालिसिस करूँगा स्क्रीन की मदद से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये शेयर जो है सिंपल सी बात है, रेडिंगटन इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोबिलिटी एंड अदर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बिसाइड सप्लाई चेन सॉल्यूशन। मतलब इस कंपनी के पास जो है कुछ नहीं है, सिर्फ सप्लाई चेन है। ये कंपनी जो है बड़े बड़े ब्रांड्स के जो चीज़ें हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है और रिटेल में रिटेल की मदद से उसे पूरी तरह से जो है सेल करने का काम करती है। अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का मार्केट कैप 6,392 करोड़ का, करंट प्राइस 164 करोड़ का, हाई 203 का, लो 60.4 का। अब अगर मैं बात करूं तो स्टॉक पीई इस कंपनी की 11.0 है, बुक वैल्यू जो है 115 की है, डिविडेंड यील्ड जो है 2.62 की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.0 है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 12.6। प्रॉस कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ, कंपनी ने कर्जे को कम किया है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग एन हेल्दी पे आउट डिविडेंड ऑफ 23.06। द कंपनी हैज पुअर डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10.28 ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। कंपनी ने जो देखिए एक चीज़ है, इस कंपनियों में जो होता है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है और बेकार होती है तो प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, तो उसका बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा जब ये शेयर करेक्ट हो, अगर आप इसमें नया पोजिशन बनाना चाहते हैं तो करेक्शन में ही इसमें पोजिशन बनाएं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें जो मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ एन 13.95 फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.5395। मैं आपसे बोलना चाहूँगा पिछले 3 सालों में, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो पिछले 3 सालों में इकोनॉमी की जो हालत थी वो उतनी अच्छी नहीं थी और 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी सही माना जाएगा। सिंपली बात करूँगा मैं। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की सेल्स की तो आपसे को सेल्स के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। कंपनी का सेल्स जो है वो 16,981 करोड़ का है। OPM देखिए पिछले 12 क्वार्टर से सिर्फ 2% का चल रहा है जो मेंटेन है। अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो टैक्स है वो 46% हुआ है जिसकी वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 1689 का है और EPS की बात करूँ तो 4.87 की है। अब अगर मैं सितंबर 2020 की बात करूँ तो 13,764 करोड़ का कंपनी का जो है सेल्स था। OPM जो है 2% का ही है, प्रॉफिट जो है 179 करोड़ का है जो फिर से बहुत अच्छा माना जाएगा इस कंपेयर टू, अगर हम ध्यान में रखें कि कोविड के समय में भी ये कंपनी जो है अच्छी चीज़ें जो है वो डिलीवर कर रही थी। अब दिसंबर में चला गया तो 14,784 करोड़ का जो है कंपनी सेल्स कर रही थी। अब अगर मैं इसकी पूरी तुलना करूँ तो ये कंपनी का 15% का ग्रोथ था क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में जो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा और प्रॉफिट में कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट क्लॉक किया था। मैं आपसे कहना चाहूँगा कंपनी जो प्रॉफिट क्लॉक कर रही थी वो कर रही थी 21-22% का जो बहुत ही अच्छा है ईयर और ईयर में। उस समय पर जिस समय कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जो त्रस्त थी, ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा जो है सेल्स और प्रॉफिट क्लॉक कर रही थी। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की सेल्स की, तो कंपनी मैंने आपको बताया कंपनी एप्पल और ये सब की चीज़ों को जो है लाकर बेचने का काम करती है, इसलिए कंपनी का जो सेल्स है उसको ना देखें, कंपनी के प्रॉफिट में जाएं, सिर्फ प्रॉफिट को देखें। यहाँ सिर्फ प्रॉफिट देखना है, सेल्स नहीं देखना है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम है इस कंपनी का। इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 573 करोड़ का है और जो पिछले 11-12 सालों में सबसे ज़्यादा है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये शेयर यहाँ से रीरेट हो सकता है और अब मैं आपसे कहना चाहूँगा करेक्शन हो तो ज़रूर इस शेयर को खरीदिए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मैं आपसे बात करूँ 2% का है, पहले 3% का हुआ था जो घटकर 2% का हो चुका है। अब अगर मैं बात करूँ कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की,
पिछले 10 सालों में कंपनी ने 14% का 14% का जो है सेल्स ग्रोथ किया है, पिछले 5 सालों में कंपनी ने 10% का ग्रोथ किया है, पिछले 3 सालों में 8% का, और TTM मतलब लास्ट 4 क्वार्टर में कंपनी ने 5% का ग्रोथ किया। अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में 11%, पिछले 5 सालों में 6% और पिछले 3 सालों में 4% का ग्रोथ किया, जो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। TTM में 2% का ग्रोथ है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कोविड की वजह से कंपनी को प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम हुआ है, पर कंपनी का जिस हिसाब से, मैं आपसे कहना चाहूँगा जिस हिसाब से कंपनी का सेल्स बढ़ा है, जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, उस हिसाब से कंपनी का स्टॉक एप्रिसिएशन नहीं हुआ है। तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 8% का CAGR रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 7%, पिछले 3 सालों में 4% और पिछले 1 साल में 159% का, जो बहुत ही अच्छा, पिछले 1 साल का अच्छा माना जाएगा, बाकी सब जो है एवरेज से कम माना जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 16% 10 सालों में, 5% 14% 5 सालों में, और 3 ईयर्स में 14% और लास्ट ईयर 13% का रिटर्न दिया, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अब अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूँ तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल जो है वो सिर्फ 78 करोड़ शेयर्स हैं, रिजर्व जो है वो 4409 के, मतलब 4409 के, बोरोइंग जो है वो बिल्कुल ही 1/4 है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। संभली हुई बैलेंस शीट इस शेयर को कहा जाएगा। और कंपनी के एसेट्स जो हैं पिछले साल तक बढ़ते हुए आए और अभी थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए हैं। 1100-1200 करोड़ जो है कंपनी के एसेट्स में थोड़ी कमज़ोर हुई है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ पैंडेमिक में कंपनी को बहुत बेकार समय से गुजरना होगा, जिसकी वजह से कंपनी जो है अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने कुछ एसेट्स को उन्होंने जो है वो सेल भी किया होगा। इसकी वजह से कंपनी के जो कुछ रिटेल्स जो होंगे वो थोड़ा उन्होंने वो भी कंसोलिडेट करने के लिए बेचे भी होंगे। अगर मैं आपको शेयर होल्डर पैटर्न की बात करूँ तो कंपनी का 38% का जो शेयर होल्डर पैटर्न था मार्च 2018 में, जो बढ़कर हो चुका है 41.24 का FII है, जो बहुत ही बेहतरीन बात है। ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसमें जो है प्रमोटर नहीं है। DII की बात करूँ तो 16.19 है, और पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक की जो शेयर होल्डर पॉटी जहाँ 41.89 होता था, जो घटकर हो चुका है 42.57, जो हमारे लिए थोड़ी सी कंसर्न का विषय है, क्योंकि इसमें से DII निकल रहे हैं और पब्लिक जो है एंट्री कर रही है, जो थोड़ी सी कंसर्न के विषय है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप इसमें एंट्री लें जब ये शेयर थोड़ा सा करेक्ट हो जाए। तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 164 चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक्यूमुलेट करना है इस स्टॉक को तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए 156 पर, नीचे में आए तो 140 पर, उधर थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए 130 पर एक्यूमुलेट कीजिए, 125 पर एक्यूमुलेट कीजिए, और 116 और 107। याद रखिएगा ये शेयर बहुत तेज़ बीटा वाला स्टॉक है, बहुत तेज़ी से नीचे आता है और शेयर उतनी तेज़ी से ऊपर भी चढ़ता है। तो ये लेवल्स हैं जहाँ पर आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, पर ऊपर में कौन कौन से लेवल्स आने वाले दिनों में आप इस शेयर में देख सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, पहला, ये शेयर बुलिश हो जाएगा 174 के ऊपर ये शेयर बुलिश हो जाएगा। अगर 171 पार करता है तो ये शेयर 199 पार करता है तो 212, और 212 पार करता है 240 तक ये शेयर जो है यहाँ से जा सकता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक में आप अगले 9 से 12 महीने में जो टारगेट देख सकते हैं वो देख सकते हैं 240 रुपीज़ का। आपको कहना चाहूँगा ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा जब ये शेयर करेक्ट हो तो ज़रूर खरीदिए, खरीद के रख लीजिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट ये कंपनी सेल करती है उसकी डिमांड मार्केट से नहीं जाने वाली। तो अगर आपको ये रेडिंगटन से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर ऐसी जानकारी, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। मैं आप सभी से एक से और कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल की जो है मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, कृपया कर आप ज़रूर हमारी मेंबरशिप को लें, पर्क लें, 3 में से कोई भी एक पर्क लें। मैं अभी अपने जितने भी मेंबर्स, पेड मेंबर्स बन रहे हैं, उन सभी को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट का जो ज्ञान है वो दे रहा हूँ, जो अनबीटेबल है, जो कोई भी दूसरा यूट्यूबर नहीं दे सकता। बेहतरीन ज्ञान दे रहा हूँ जिसे जानने के बाद आप में एक अलग तरह का जो है फीलिंग आएगी। आप मार्केट से डरेंगे नहीं, आपको पता होगा कि कौन से लेवल्स पर आपको खरीदना है, कौन से लेवल्स पर आपको एग्जिट करना है। सारे ज्ञान मैं उस फ्री में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो
आपको वो तो मिल ही रहा है, मेरी सर्विस, मेरी तरफ से आपको सर्विस मिल रही है, स्टॉक की सर्विस तो मिल ही रही है, पर मैं फ्री में अभी आप सभी को स्टॉक मार्केट का ज्ञान भी दे रहा हूँ। तो जाकर ज़रूर तीन में से कोई भी एक पर्क लीजिए, और अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है तो आइए मार्केट गुरु से सीखिए, क्योंकि मार्केट गुरु जो सिखाएंगे वैसा कोई और यूट्यूबर नहीं सिखाएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए मल्टीबैगर स्टॉक के लिए स्टॉक में। आज के लिए बस इतना ही, बाय।